नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का मुद्दा भारतीय उच्चायोग द्वारा उठाए जाने के बाद रविवार को मालदीव सरकार ने अपने 3 उपमंत्रियों को कथित तौर पर निलंबित कर दिया था। वहीं अब इस मुद्दे पर मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर एबा अब्दुल्ला का बयान आया है और उन्होंने टिप्पणियों को शर्मनाक और नस्लवादी करार दिया है। पूर्व डिप्टी स्पीकर ने भारत में माफी भी मांगी और भारतीयों से मालदीव के खिलाफ बहिष्कार अभियान बंद करने का अनुरोध भी किया है। बता दें कि बात करते हुए एबा अब्दुल्ला, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि टिप्पणियों पर आक्रोश समझ में आता है, भारतीयों का गुस्सा जायज है, टिप्पणियां अपमानजनक है, मैं शर्मनाक टिप्पणियों के लिए भारत के लोगों से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहती हूँ। पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे के अनुभव को एक्स पर साझा किया था, जिसमें पीएम ने लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। मैंने स्नॉर्कलिंग की भी कोशिश की, यह कितना उत्साहजनक अनुभव था। पीएम मोदी का यह पोस्ट काफी वायरल हुआ था और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लक्षद्वीप को मालदीव का वैकल्पिक पर्यटन स्थल कहा था। मालदीव के 3 उपमंत्रियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर उनकी आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि नई दिल्ली इस केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है, जिसके बाद युवा मंत्रालय में उपमंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शियूना और अब्दुल्ला महजूम गाजिद को उनके पदों से निलंबित कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया गया कि कुछ भारतीय मालदीव की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर रहे हैं।